दादी आज तो मैं भी झंडियाँ लगाऊंगा। क्यों भाई? भाई 14 अगस्त आने वाली है इसलिए। वैसे आप अपने जमाने में क्या करते थे? बेटा बात ये है कि हमारे जमाने में कुछ और बात होती है। हमारे ज़माने में हर रंग नस्ल के लोग रहते थे, मगर अब के ज़माने में हर जगह फिरके वारियत, हर जगह खून खराबा और इस ज़माने में हर चीज़ ही बेकार होती है। अरे दादा अपनी ज़िंदगी का बताएं या ज़माने का बताएं? भाई ये बाजे वाले कमबख्त। चलो बेटा मैं तुम्हें इन मनुष्यों की कहानी बताता हूँ। बेटा हमारे ज़माने में इस तरह होता था, काम करता हूँ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो देखो बेटा उस वक्त के लोग ऐसे जश्न आजादी की मुबारकबाद देते थे। चलो वापस चलो। हाँ बेटा तुमने अब इस जमाने की देख ली है, अब मैं तुम्हें नए जमाने की दिखाता हूँ। देखो बेटा ये है तुम्हारा नया जमाना। बात तो आपकी सही है। बहुत लोग हैं दादी आपके जमाने में ऐसा होता था? नहीं बेटा, बल्कि हमारे जमाने में तो दादी सीन दिखाने के लिए नहीं लेके जाएंगे क्या? नहीं हो बगैर करके सीन देख लो। देखा बेटा ऐसा होता था उस जमाने में। ये तो है दादी आपको पता है ये लोग बाहर डांस कर रहे थे, इनका एक और बहुत खतरनाक वायरस है। कौन सा वायरस बेटा? एक मिनट। खैर बेटा दफा करो, जो आवाम हमें पसंद करेगी वो तो हमारी पसंदीदा आवाम है। दादाजी कुछ और इमेजिनेशंस तो बताएं। बेटा अब अगले साल अगले इमेजिनेशंस बताएंगे, तुम जाओ अपनी झंडियाँ लगाओ। ये साल गुजरते हुए सालों से कुछ अलग है, तो इस साल आप ये करें इंडिपेंडेंस तो बनाए लेकिन किसी और तरीके से। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है SOPs को फॉलो करें। SOPs को फॉलो करके इंडिपेंडेंस बनाएं। और हाँ कुछ अलग करने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग चने के झाड़ पे चढ़ जाओ। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन दबाना। और दबाना नहीं तो मैं घर पे आके दबाऊं। तो रुको जरा सबर करो। चुप, सही से चुप, नजर नहीं आ रहा। चुप, नजर आ रहे, नजर आ रहे। हाँ और हाँ अंडरग्राउंड वाइंस की तरफ से आपकी और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
fuck her in the best.